जमीन विवाद को लेकर मारपीट की घटना प्रकाश में आई है। गुलजारबाग निवासी निवेदिता कुमारी पिता स्वर्गीय तपन सरकार ने मोहल्ले के ही गुड्डू यादव पर आरोप लगाया है कि गुड्डू यादव ने घर में घुसकर उनसे मारपीट की और रॉड से प्रहार कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया है। गुड्डू यादव के बारे में पीड़िता ने बताया कि प्राइवेट बस स्टैंड में किराने का काम करता है और दबंग प्रवृत्ति का है, और दबंग प्रवृत्ति के होने की वजह से वो हमेशा मोहल्ले में लोगों पर धौंस दिखाता रहता है। पीड़िता ने थाने में इसकी लिखित शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। ये मेरी बहन है, दोनों के साथ मारपीट किया है, पूरा पीछे मारा है, नोच लिया है, कपड़ा फाड़ दिया है, मेरा ये सब फाड़ दिया है, पूरा ये सब पूरा ये मारा है, अंदरूनी मारा है, पीठ सब में गांग पूरा अंदरूनी मारा है, अंदर मारा है, पैर में मारा है, रॉड से लोहा का रॉड से मारा है। मारपीट किया है कि वो गलत अवैध ढंग से मेरा 17 फुट कुछ जमीन को रजिस्ट्री करवाया है, ऑपरेशन करवाया है, लेकिन कैसे करवा सकता है जब सुरंजन पाल और मनोरंजन पाल को 10 ही दूर जमीन है बंटवारा के बंटवारा नामा के हिसाब से कैसे करवा सकता है। हमारे साथ सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच की घटना है। गुड्डू यादव लगड़ा गुड्डू चपरासी मोहल्ला सोनी हजारी का बेटा है, वो हमारे घर में घुसा, गलत ढंग से हमारा जमीन को लिया है और हमारे घर में तोड़फोड़ किया, गेट तोड़ के घुसा। वो अभी भी सुशील रंजन पाल ने अनुराग रंजन पाल को लिख दिया है कि जब तक ये लोग 32,000 पेमेंट नहीं करेंगे तो घुस नहीं सकते हैं, कोई नहीं रह सकते हैं। मनोरंजन की मारपीट कौन किया आप लोग के साथ? गुड्डू यादव किया है। गुड्डू यादव घर में घुस के दीवार पे चढ़ के दीवार लांग के मेरा घर का पिछला हिस्सा तोड़ दिया, जो लीना का था और मिट्टी का घर था उसको तोड़ दिया, और हमारे साथ उपम सरकार निवेदिता सरकार हम है, ये मेरी बहन है, दोनों के साथ मारपीट किया है, पूरा पीछे मारा है, नोच लिया है, कपड़ा फाड़ दिया है, मेरा ये सब फाड़ दिया है।